जय भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम दलित एकता जिंदाबाद दलित एकता जिंदाबाद दलित एकता जिंदाबाद जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम अपराधियों को सजा दो सजा दो सजा दो अपराधियों को सजा दो सजा दो सजा दो जय भीम। मैं वीरेंद्र पहवाल, अंबेडकर क्रांति मिशन प्रदेश प्रवक्ता। क्या पूरा मामला आज 24/11/2021 को शिवानी गांव के अंदर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की प्रतिमा को एक सोची समझी साजिश के तहत खंडित किया गया। उस गांव के अंदर दलित वर्ग कमजोर है, परिवार कम है, जिसके कारण वहां भय का मूल बना हुआ है। आज भी जो विपक्षी दल है उनको मारने की धमकाने की दिन प्रतिदिन धमकियाँ दी जा रही है। आज शिवानी के अंदर पूरे भारतवर्ष से दलित समाज एकत्रित हो रहा है। हमने वहाँ के डीसी साहब से मिले थे, एसपी साहब से मिले, एसएचओ से मिले, उनको समय दिया गया था, 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर आप कार्रवाई करते हो तो यहीं पे बात संभल जाएगी, लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण आज की तारीख में पूरे 3 दिसंबर को पूरे हरियाणा के अंदर ज्ञापन दिया जा रहा है। अतः वो दिन दूर नहीं जब पूरे भारत के अंदर दलित समाज भी सड़कों पर उतरेगा। प्रशासन के किसी भी आला अधिकारी ने, किसी भी मंत्री ने, यहाँ तक कि जो दलित समाज के नेता बैठे हैं उन्होंने भी किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया। एक सिंगल व्यक्ति तक भी उस घटना स्थल पर नहीं पहुँचे। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान एक समाज के नहीं सर्व समाज के ध्याता है। अतः हम ये निवेदन है कि हमारा कि जल्द से जल्द जो अपराधी है उनको पकड़ा जाए, उन पर कठोर कार्रवाई की जाए और वहाँ पे जो भय का माहौल बना हुआ है उनको प्रोटेक्शन दी जाए। ऐसे कौन से लोग हैं जो भय का माहौल स्थापित कर रहे हैं? ये एक विशेष समुदाय है जो सदा से दलित समाज के ऊपर हैवी रहे हैं, उन्हीं के द्वारा एक षड्यंत्र रचकर प्रतिमा को खंडित किया गया। प्रतिमा खंडित का ये पूरा मामला किस तरह हुआ, किस तरह है ये प्रतिमा खंडित, कोई पुरानी बात थी या क्या था पूरा मामला? वो गांव के एक जमीन के ऊपर पंचायती तौर पर वाल्मीकि जी की प्रतिमा रखी गई थी समाज के द्वारा, उन लोगों से सारा विचार विमर्श करके रखा गया था, लेकिन रात के अंधेरे का कोई उसने फायदा उठाकर जो विरोधी दल है उन्होंने प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। ये केवल एक प्रतिमा खंडित करने का मामला नहीं, ये एक समस्त दलित समाज की आस्था को जो हानि पहुंची है उसका मामला है। अतः हम निवेदन करते हैं कि सरकार तुरंत प्रभाव से आकर इस पर कार्रवाई करे और जो कठोर से कठोर जिस प्रकार एससी एक्ट लगाकर उन जो भी दोषी मिलेंगे उन पर कार्रवाई की जाए। कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? कानूनी तौर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ पे 24 तारीख को घटना हुई, 25 तारीख को हम पहुँचे थे तो FIR दर्ज हुई थी, लेकिन सरकार की अभी तक अधिकारी से बात हुई तो वो कह रहे कि अभी जांच चल रही है, SP साहब से मिले, DSP साहब से मिले, तो वो सिर्फ एक ही बात रहती है कि जांच चल रही है। ये मामला कोई छोटे स्तर का मामला नहीं है। अगर हरियाणा सरकार तुरंत कार्रवाई नहीं करेगी तो एक बड़ा कठोर आंदोलन हरियाणा सरकार को देखने को मिलेगा जल्द दलित समाज के द्वारा। वेंदी जी, एक बात और है, जब इस तरह के मामले होते हैं पहले आवाज उठाई जाती है, फिर बाद में कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी रुक जाती है, आवाज दबके रह जाती है, सिर्फ मीडिया तक ही वो बात सीमित रह जाती है। अब दलित समाज की आप बात करें, दलित समाज का सिरसा में भी अगर आंकड़े की बात करें बहुत अच्छा आंकड़ा है जी, लेकिन आप फिर भी गिनती के 8 या 10 लोग हो, ऐसी क्या परिस्थिति है कि कभी भी इस तरह के मामले में दलित समाज इकट्ठा नहीं हो पाता और कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं आगे जाके टूट जाती है? अगर सिरसा की बात करें तो दलित समाज में अगर MP की जो सीट है वो रिजर्व है, उसका यही कारण है कि दलित समाज बहुसंख्यक है यहाँ पे। फिर वजह क्या है? वजह ये रहती है कि हर समाज के अंदर जागरूक लोगों की संख्या गिनती की होती है। अगर समाज में जागरूक लोगों की संख्या अधिक होती तो वो समाज आज देश पर शासन कर रहा होता। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि अगर संख्या अधिक होती तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पे भी दबाव रहता? अब आप पूरे प्रदेश में ज्ञापन की बात करें, कहीं ना कहीं जी इस तरह की संख्याएं हैं या लिमिटेड कुछ आगे का भी है? इसका एक कारण है कि कोविड करते हुए भी एक लिमिटेड हमने जो मुख्य लोगों को संदेश दिया था कि आज दोबारा सरकार द्वारा चलान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है या दोबारा कोविड को कंट्रोल करने के लिए जो नियम उनको भी ध्यान में रखते हुए हमने गिनती के लोगों को आमंत्रित किया। अब आगे क्या स्टेप रहेगा या सिर्फ ज्ञापन तक ही सीमित रहेंगे चीज़ें? अगर ज्ञापन हमने दिया है, आज की तारीख में पूरे हरियाणा में ज्ञापन दिए जा रहे हैं, अगर ज्ञापन के माध्यम से कोई कार्रवाई होती है
तो वेल एंड गुड, वरना उसके बाद सड़कों पर दलित समाज जल्द आपको दिखेगा। ठीक है, धन्यवाद।